मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। मैं बीएम सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज का मेरा टॉपिक होगी, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, तो रेशियो पे आधारित जो पार्ट 7 होगी, और इसमें टाइप ऑफ रेशियो। आज का मेरा जो टॉपिक होगी, जो टाइप होगी, टाइप का नाम है टाइप्स ऑफ रेशियो, मतलब अनुपात का प्रकार। तो जब भी हम मतलब ये कहना चाह रहे हैं, आज जो भी डिस्कस होगी इस टाइप में, आज हम जो भी बात करने वाले हैं, यदि आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो इसमें जितने भी प्रकार का टाइप बनेगा वो बिल्कुल आज की क्लास में समाप्त हो जाएगी। तो हो सकता है कि इस चैनल पे पहली बार आए होंगे, इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करें, क्योंकि अब जब तक शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे इस कॉन्सेप्ट में, इस क्लास में जो आप पढ़ पा रहे होंगे इसमें क्या चीज पे बात होगी तो वो आपको पता नहीं चल पाएगी। इसलिए आशा करते हैं चीजों को समझते रहिए, बढ़ते रहिए। और सबसे अलग बात ये क्या है, जब भी आपको कुछ नया चीज लगे, जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज लाइक करने का प्रयास, कॉमेंट करने का प्रयास करें, ताकि ऐसा हो कि हम आपके लिए और अच्छे तरीका से एनर्जेटिक होके काम, वैसे भी हम यहाँ पे जो काम कर पा रहे पूरे एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे उमंग के साथ कर रहे हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत न हो। और जो चीज हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, यदि आप पूरा वीडियो देख लिए तो आज के बाद इस कॉन्सेप्ट में कभी भी आपको दिक्कत नहीं हो सकती है। इसमें जितने भी प्रकार का टाइप बनता है सारा बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला जो पॉइंट होगी उसको समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो बात आप सबको हमको सिखानी है वो बात आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, जो पहला टाइप है रेशियो का, लगातार अनुपात, जिसको इंग्लिश में कंटिन्यूड रेशियो कहते हैं। इसको भाषा के रूप में हम लोग किस प्रकार से समझ सकते हैं, तो भाषा कुछ इस प्रकार से, यदि ए कॉमा बी एवं सी तीन सजातीय राशियों में ए का जो संबंध बी के साथ है, मतलब ए एवं बी जिस प्रकार से संबंध होंगे, है ना, तथा बी का वही संबंध अगर सी के साथ हो, यानी बी का वही संबंध यदि सी के साथ हो, तो इस आपसी संबंध को लगातार अनुपात कहते हैं। मान के चलते ए और बी भाई भाई का रिश्ता है, तो ये दोनों अगर भाई का रिश्ता है तो वही रिश्ता, यानी बी और सी भी आपस में भाई भाई का होगा। हमने क्या कहा, क्योंकि ए और बी में जो भी रिश्ता होगी वही रिश्ता बी के सी के साथ हो सकती है। उसी एप्लीकेशन को चाहते हैं, भाषा को एप्लीकेशन के रूप में किस प्रकार से समझ सकते हैं, तो कहता है क्या, यदि ए बी और सी लगातार अनुपात है तो वही बात है आपसी संबंध को, मतलब ए और बी यदि दोनों अनुपात के रूप में है तो वही संबंध बी और सी के साथ है, मतलब बी जब ए के साथ है तो दोनों के बीच में अनुपातिक संबंध है, तो वही बी और सी के भी साथ वही अनुपातिक संबंध होगी। तो हम कह सकते हैं अनुपात का मतलब बट्टा होती है, और ये बात अपने पिछला क्लास में वीडियो में आप अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि हो सकता है पहली बार आप वीडियो को देख रहे होंगे, इससे पहले जो भी वीडियो है आप अच्छे तरीका से समझ लें, ताकि आपको पता अच्छे तरीका से समझ में आ जाए ये बात होती किस प्रकार से है। तो फिलहाल इस पे आते हैं, तो बी अनुपात सी, बी बट्टा सी लिखेंगे, जब बाय क्रॉस गुना करेंगे तो बी गुने बी, मतलब बी स्क्वायर हो जाएंगे ए गुने सी। अब बी बाएं तरफ कोई फंक्शन स्क्वायर में है और दाएं तरफ जाएंगे तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाए, तो हम कह सकते हैं बी बराबर रूट अंडर सी, रूट के अंदर में ए इंटू सी हो जाएंगे। अब इसी एप्लीकेशन को हम क्वेश्चन के रूप में लिखने का प्रयास किया है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 3.5 एवं एक्स लगातार अनुपात हो, तो एक्स का मान ज्ञात करें, तो अपने आप का समझ लीजिए ए है, अपने आप का समझ लीजिए बी है, और अपने आप का समझ लीजिए सी है। तो हम कह सकते हैं इसी फॉर्मेट को सेटअप करने का प्रयास करें, तो ये ए और बी 3:5 के अनुपात में है, उसी प्रकार से यानी बी और सी जिस प्रकार से ए और बी है, जिस रूप में है, जिस राशि में है, उसी प्रकार बी और सी होंगे, तो बी और सी भी अनुपात में होंगे, यानी 5:x। अब यहाँ पे समानुपाती का मतलब यू के बराबर, यहीं पे बराबर का चिन्ह, ये समानुपाती का चिन्ह देकर हमने बराबर कर दी, और अनुपात का मतलब बट्टा होता है, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, यहीं पे जब बाय क्रॉस गुना करेंगे तो हम कह सकते हैं x बराबर जो होंगे वो 25/3 हो जाएंगे,
और इसी पे हम अगर चाहेंगे पूर्णांक रूप में तो 8 पूर्णांक 1/3 हो जाएंगे। तो आशा करते हैं जब इस प्रकार का इस टाइप पे जब भी क्वेश्चन आपको बनेगा तो इसी प्रकार से बनेगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूं तो वही बात, अब डायरेक्ट हम लिखने का प्रयास करेंगे तो यही x बटा डायरेक्ट 3 हो जाएंगे, यही 3 बटा कंप्लीट आपका कितना हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। आप कहेंगे सर ये डायरेक्ट किस प्रकार से आप लिख दिए, तो मेरे भाई x अनुपात 3 यही 3 अनुपात 18, यही चीज आपको तो जो बात आपको सिखाती है तो थोड़ा सा स्टेप कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि कम समय में आपको ज्यादा हम अच्छे तरीका से पढ़ा सके। तो हम चाहेंगे तो ये इसको काट सकते हैं, फिर इसको काट सकते हैं, तो यही x बराबर आपका डायरेक्ट हो जाएंगे x बराबर 1/2 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं जब भी इस प्रकार की बात आपको थोड़ा भी बहुत दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर से देखने का प्रयास करें ताकि जो भी बात होगी हम अच्छे तरीका से और आप अच्छे तरीका से सीख भी जाएंगे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर पे थर्ड पे बात करो तो यहाँ पे हम लिखने का प्रयास करेंगे, तो हम कह सकते हैं यदि मैं बात करूं इस दोनों के फंक्शन, ये 1.5/x हो जाएंगे और बराबर में यही x/3.5 हो जाएंगे। अब हम कह सकते हैं मेरे पास जो डाटा बन पा रहा है, हम चाहेंगे तो ये दोनों फंक्शन को आपस में यदि गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, ये 1.5 × 3.5, अगर हम चाहेंगे इस डेसिमल को मतलब एक पे एक जीरो होंगे, अगर मैं बात करूं इस पे तो यहाँ पे एक के आगे एक जीरो हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट करने का प्रयास करेंगे तो हम कह सकते हैं 5 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे 7, पुनः 5 से काटेंगे तो 2, 5 से काटेंगे 3, तो यहाँ पे कंप्लीट जो डाटा आपको आ रहा होगा एक्स स्क्वायर बराबर 21/4 हो जाएंगे। यही जब रूट उधर जा रहा होगा तो हम कह सकते हैं 21/4 हो जाएंगे, यही रूट के अंदर में 21/2 हो जाएंगे, यही इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर भी हो जाएंगे। तो आशा करते हैं जब इस प्रकार का वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, और लगेगा ही, थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, दिक्कत इसी वजह से हो सकती है, हो सकता है कि अब जो पहला पार्ट ये दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट हम ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं, यदि उस चीज को समझ लेंगे तो ये सब चीज आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो इस तरह के बात को हम लोग समझते हैं, और जब भी इस तरह का फंक्शन आपके सामने आ जाए तो कुछ मत करना है, जो भी बात हमने बताने का प्रयास किया है आप समझ भी रहे होंगे, आपको अच्छा भी लग रहा होगा। जीवन में यही चीज हमेशा याद रखिए, आज जो चीज काम हम कर रहे हैं ये काम ऑलरेडी पहले कोई और किया हुआ था, ठीक है। इस वजह से ऐसी बात नहीं है जो हम पढ़ा रहे हैं तो हम ही पढ़ाते रहेंगे मेरे भाई, ये ज्ञान को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अगर आज आप शिक्षित हो जाते हैं तो कल के डेट में ये सारा संसार जो भी बचे खुचे लोग हैं जो शिक्षा को महत्व नहीं दे रहा है वो भी समझ में आ जाएगा कि नहीं ये किस प्रकार की है। तो इसी के साथ हम लोग एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होती है उस पर पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास भी करते हैं, बनाने के भी प्रयास करते हैं, तो उसको समझते हैं वो क्या चीज है। अभी जिस कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है टाइप ऑफ रेशियो, और अभी हम लोग जो बात आज करनी है जो बात आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे वो विलोम अनुपात है, जिसको इंग्लिश में रिवर्स रेशियो कहते हैं, और भाषा के रूप में यदि m अनुपात n अनुपात p कोई अनुपात हो तो 1/m अनुपात 1/n अनुपात 1/p को विलोम अनुपात कहते हैं। ये तो आपका वेरिएबल के रूप में आपने समझा, लेकिन एक चीज और है, विलोम अनुपात को ही व्युत्क्रम अनुपात इंग्लिश में रेसिप्रोकल रेशियो कहते हैं। तो आशा करेंगे जब भी आपको विलोम अनुपात की चर्चा हो या हिंदी में व्युत्क्रम अनुपात की चर्चा हो या इंग्लिश में रिवर्स रेशियो की चर्चा हो या इंग्लिश में रेसिप्रोकल का चर्चा हो, ये सारा चीज एक ही है। अब इसको हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में ढालेंगे कैसे, तो थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन आपको सिखाते हैं। जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा ये तो पहले तो आपको बनानी है, उसके बाद हम बनाएंगे, क्योंकि इतना काम आपके लिए हम कर रहे हैं, सारा काम अगर हम खुद ही करेंगे तो फिर मेहनत करने से इतना क्या फायदा होगा मेरे भाई, क्योंकि आपको जॉब लेनी है, आपको सिलेक्शन लेनी है, आपको हाथ पैर चलानी है ना, तब तो मजा आएगा ना। तो बोलो यस या नो, तो आप बिल्कुल अंदर से आवाज आएगी कि नहीं बिल्कुल राइट बात है, यस ये हमको तो काम करना है। तो फिलहाल अगर हम छोटा सा एक क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं,
देखिए कोई क्वेश्चन है, यदि 2:3 है, ठीक है, अगर आपसे अगर कोई पूछ ले डाटा इसका रिवर्स अनुपात क्या होगी, विलोम अनुपात क्या होगी, थोड़ा सिखाने की भाषा तो क्वालिटी दे ही रखा है, तो इस बात को हमेशा याद रखना, जब भी आपको अनुपात पूछे, यानी 2:3 है, मतलब यहाँ पे अगर एम अनुपात पी होता या एम अनुपात एन होता, दो ही वेरिएबल होता, तो हमने आपको बताया जो भी वेरिएबल हो उसको रिवर्स के रूप में लिखनी है, कि अगर 2:3 का अगर रिवर्स बोलता या विलोम अनुपात बोलता, 1/2 लेते, फिर अनुपात 1/3 लेते। और ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, कभी भी रेशियो भिन्न के रूप में नहीं आती है। तो जब रेशियो भिन्न के रूप में नहीं आती है तो हमने आपको क्या सिखाया है, इससे पहले भी हमने एलसीएम में है ना हल्का हिंट किया होगा, या थोड़ा सा अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको हम सिखाने का प्रयास करते हैं। ये जो भी हर में आवे, हर मतलब नुमरेटर होती इंग्लिश में, 2 और 3 कैल्शियम कर ले, तो 2 और 3 कैल्शियम करेंगे कितना हो जाएंगे, 6। अब जितना एलसीएम है उसी से गुना कर देंगे, तो 1/3 को 6 से गुना करेंगे तो कंप्लीट 2 हो जाएंगे, 1/2 को अगर 6 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएंगे। यही तो रिवर्स का मतलब हुआ, जो 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 वेरिएबल यानी जो अंक आपको पहले मिले वो बाद में होगा, जो बाद में मिले वो पहले होगा, इसी पे हम लोग व्युत्क्रम करते हैं। लेकिन यही फंक्शन में यदि 3 डाटा आ जाए, तो 3 डाटा हो चाहे 4 डाटा हो चाहे 5 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्वेश्चन के रूप में कैसे ढालते हैं उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से, 2:3:5, तो देखिए 2:3:5, अब इसी को कहता है विलोम अनुपात। कुछ मत करना मेरे भाई, 1/2 लिख देना अनुपात, 1/3 लिख देना अनुपात, 1/5 लिख देना। और जैसे कि हमने अभी बताया था, जो भी हर में डाटा आ रहा है सब कैल्शियम ले लेंगे, तो 2, 3 और 5 कैल्शियम लेंगे तो कंप्लीट 30 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 30, बोलो यस। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हो जाएंगे 30। अब कंप्लीट यहाँ पे डाटा है, 1/5 को यदि मैं 30 से गुना करूँ तो 6 हो जाएंगे, 1/3 को अगर मैं 30 से गुना करूँ तो 10 हो जाएंगे, 1/2 को अगर मैं 30 से गुना करूँ 15 हो जाएंगे। और यही डाटा आपका हो जाएंगे 15:10:6, यही आपका सिंपलेस्ट रूप हो जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके सामने में आ जाए तो इसी प्रकार से आप सॉल्व करने का प्रयास करें। अब देखिए एक डाटा आपको रिवर्स के रूप में बता रहा है, मतलब जिस प्रकार ये पूर्णांक के रूप में था तो हमने रिवर्स किया है, और जब कोई डाटा रिवर्स के रूप में होता है तो उसी को हम लोग पूर्णांक के रूप में ढालते हैं। आप कहेंगे सर किस प्रकार से, तो अपने आप को सोचिए, अगर ये पूर्णांक होता है, यदि पूर्णांक होता है, यदि ये पूर्णांक होता है, अपने आप को सोचे तो 1/ के रूप में लिखते, यदि 1/ के रूप में, यदि हम 1/ मतलब डायरेक्ट अगर हम 1/4 लिखे अनुपात, कंप्लीट अगर हम रिवर्स के रूप में ये डाटा को लिखेंगे तो कंप्लीट 1/5, कंप्लीट अगर रिवर्स के रूप में लिखेंगे तो 1/1/6, और ये मेन बट्टा है तो ये कंप्लीट ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएंगे, मेन बट्टा ये कंप्लीट ये ऊपर चले जाएंगे तो 5 होंगे, कंप्लीट जो डाटा है ये 6 ऊपर चले जाएंगे, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। तो आशा करते हैं सेकेंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई पूर्णांक में तो भिन्न के रूप में कर लीजिए, कोई भिन्न के रूप में तो उसको पूर्णांक कर लीजिए, वही आंसर हो जाएंगे। अब कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन देखें, अब देखिए 2:3:4:5:3/4 है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो कुछ मत करना, जो अंश है वो हर हो जाएगा, जो हर है वो अंश हो जाएंगे, क्योंकि 1/ के रूप में यदि लिखेंगे, मतलब हम कहना चाह रहे हिंट के रूप में, यदि 1/ के रूप में यदि मैं 2/3 लिखूं तो मेन बटा ये, तो कंप्लीट ये हो जाएंगे 3/2, ठीक है। तो हम आशा करते हैं इतना समय न गवा के हम लोग डायरेक्ट हिंट कर लेते हैं, यदि अंश और हर में जब दोनों जगह अंक हो, अगर व्युत्क्रम बोले चाहे विलोम अनुपात बोले, तो अंश हर हो जाएंगे, हर अंश हो जाएंगे, तो ये 3/2 हो जाएंगे, अनुपात 5/4 हो जाएंगे, अनुपात 4/3 हो जाएंगे। और यही बात आपको अभी जस्ट सिखा के हमने आया था, अगर कभी भी रेशियो भिन्न के रूप में आ जाए तो भिन्न के रूप में सिंपलिस्ट नहीं होती है, उसको सरल करने के लिए, उसको सिंपलेस्ट करने के लिए हमने बताया जो भी हर में अंक आ वो सब कैल्शियम कर लेनी है, तो 2, 4 और 3 कैल्शियम करेंगे तो कंप्लीट यहाँ पे 12 हो जाएंगे। अब 12 से कंप्लीट बारी बारी से यहाँ से आप गुना करें तो 3/2 को यदि 12 से गुना करें तो ये हो जाएंगे आपका 6, और 6 को 3 से गुना करेंगे 18 हो जाएंगे, 5/4 × 12 ये 3 हो जाएंगे, ये 15 हो जाएंगे,
कंप्लीट ये 4/3 को यदि मैं 12 से गुना करूं तो ये 4 ये 16 हो जाएंगे और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। तो आशा करते इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको सामने आ जाए तो बिल्कुल आप बना सकते हैं, बस धैर्य के साथ वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करें। 5-10 मिनट आपके जीवन के तकदीर बदल सकती है और 5-10 मिनट आप इधर उधर समय बर्बाद कर देते हैं, इसलिए इतना ही चीज के लिए बताया जाता है कि ताको आप छोटी छोटी पॉइंट आपको अच्छे तरीका से डिस्कस कर ले और जब भी इस प्रकार की बात हो आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल अगर हम इस क्वेश्चन पे बात करेंगे तो क्वेश्चन आपके सामने है 0.5 अनुपात 0.05 अनुपात 5। अभी जस्ट हमने बताया तो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विलोम अनुपात पूछे चाहे व्युत्क्रम बोले, दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर चाहेंगे तो इसको दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। आप कहेंगे सर किस प्रकार से, तो अभी जस्ट हमने सिखाने के पर जो भी डाटा उसको रिवर्स कर देंगे तो ये 0.5 हो जाएंगे अनुपात, जो भी डाटा उसको रिवर्स कर देंगे तो 0.05 हो जाएंगे अनुपात 1/5 हो जाएंगे। और ये बात आप खुद समझ चुके हैं हर कैल्शियम, लेकिन पहले तो इसको पूर्णांक का बना ले अच्छे तरीका से। तो डेसिमल के बदला हम लोग एक देते हैं, जितना अंक आगे उतना जीरो दे देते हैं, डेसिमल के बदला एक से जितना अंक आगे हो तो उतना जीरो दे देते हैं और कंप्लीट। तो हम कर सकते हैं अगर चाहेंगे 10/5 ये हो जाएंगे 100/5 और कंप्लीट ये 1/5। अब चाहेंगे तो इसको हम चाहेंगे तो वही डाटा कभी भी हमने व्युत्क्रम कर दिया है, लेकिन यदि यदि 5 5 यदि 5 का मैं यदि एलसीएम ले लो तो कंप्लीट आपके सामने एलसीएम तो हो जाएंगे 5। अब इसी में बारी बारी से गुना करेंगे 10/5 × 5 तो 10 हो जाएंगे, 100/5 × 5 कंप्लीट 100 हो जाएंगे और मैं बात 1/5 × 5 कंप्लीट 1 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, जितने भी प्रकार का आपका क्वेश्चन बना था इस टाइप में सारा बात हमने आपको सिखाने का प्रयास किया है। तो आशा करते हैं इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाए तो आप अच्छे तरीका से सीखने का भी प्रयास करें। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये बच्चे के हित के लिए काम करते हैं तो बस आपको अगर लगे तब, ये हमने ये नहीं कहा कि यदि आप इस चैनल पे पढ़ रहे हैं तो आपसे हम कोई काम करवा रहे हैं, नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर अच्छे तरीका से काम करते हैं, बच्चे के लिए काम करते हैं, तो हो सकता है आपका भी कोई भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, उसको भी ये बात कहने का प्रयास करें ताकि वो भी इस चैनल पे आके है ना पढ़ सकता है और जो उस जो वो सपना पाल कर रखा है, जो उसके सपना माता पिता देखते हैं उसको वो पूरा कर सके। तब नेक्स्ट टाइप पे हम लोग बात करेंगे उसको समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो चीज हम आप सबको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वही चीज आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा है ना। करा कि मिश्रित अनुपात क्या होती है, जिसको इंग्लिश में कंपाउंड रेशियो कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन किस प्रकार से समझते हैं, किस प्रकार से होती है, दो या दो से अधिक अनुपात के पूर्व पदों का गुणनफल तथा अंतिम पदों का गुणनफल से बने नए अनुपात को मिश्रित अनुपात कहते हैं। अब कह रहे दो या दो से अधिक, तो आप चीजों को समझे, ये एक प्रकार का अनुपात हुआ, ये दूसरा प्रकार का अनुपात है, ये तीसरा प्रकार, आगे भी पद हो सकती है, हो सकता है हम आगे आर अनुपात एस भी लिख सकते हैं, मतलब जितना भी व्यंजक दे रखा होगा, जितना भी पद दे रखा होगा, इसके कंटेंट पे इसके कॉन्सेप्ट पे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो सकती है। दिक्कत तब हो सकती है जब इस चीज को बारीकी से आप नहीं समझ रहे होंगे। तो वही कह रहा है कि दो या दो से अधिक अनुपात के पूर्व, तो देखिए ये दो अनुपात है तो ये पूर्व हुआ, ये अनुपात से पहले, मतलब ये ए अनुपात भी, इसको पूर्व बोलते हैं इसको बाद बोलते हैं। जब आप बेसिक से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गई होगी, ये प्रथम पद होती है, ये द्वितीय पद होती है। अगर इस पे बात करती है प्रथम पद होगी, ये द्वितीय पद होगी, ये प्रथम पद होगी, ये द्वितीय पद होगी। तो कह रहा है दो या दो से अधिक अनुपात के पूर्व पदों का, ये दोनों में पूर्व में ए है, यदि ये दोनों की मैं बात करूं तो पूर्व में एम है, यदि ये दोनों के अनुपात की बात करूं पूर्व में ये है, तो पूर्व पदों का गुणनफल, पूर्व पदों का गुणनफल यानी बाद यानी अंतिम पदों का, अंतिम में ये इसका अंतिम बी हो गया, इसका अंतिम एन हो गया और इसका अंतिम क्यू हो गया, दोनों के पूर्व पदों का गुणनफल और अंतिम पदों के गुणनफल से अनुपात बनता है, वही तो आपका मिश्रित अनुपात कहते हैं, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा।
अब क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूं किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, पेपर में आता है, तो डायरेक्ट देखिए यहीं पे हम हिट करेंगे तो हम कह सकते हैं अपने आप को, ये पूर्व पदों का गुणनफल, तो यहाँ पे चार लिखे, ये दोनों में पूर्व पदों का गुणनफल तो ये 9 लिख देंगे, ये दोनों में पूर्व पद है तो 26 हो गए, ये अगर दोनों में पूर्व पद की बात करूं तो यहाँ पे 2 हो गए, अगर इस अनुपात का यानी बाद यानी अंतिम पद की बात करूं तो 3 हो गए, ये अनुपात में अंतिम पद की बात करूं तो 13 हो गए, यदि मैं इस अनुपात के अंतिम पद की बात करूं तो 5 हो गए, यदि मैं इस अनुपात के अंतिम पद की बात करूं तो 15 हो गए। अब यहां से जो व्यंजक हमने यहां पे सेटअप किया वही चीज तो यहां पे है, अब इसको सिंपलेस्ट करेंगे तो 13 दूना 26 हो गए, 2 हो गए, फिर से हम आशा करते हैं यहाँ पे कोई डाटा और कटने वाला, तो हाँ 3 से कट रहा, यहाँ पे 3 हो गए, अब तो दूर दूर तक तो नहीं कटने वाला है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे गुना कर लेते हैं, ठीक है, कहीं कटने वाला तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये 3 जो है हमने 3 3 9 यहाँ से काटा और यहाँ से एक पद कर 3 5 15, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो डाटा ऊपर में बच रहा है 2 2 9 4, 4 4 16, तो यहाँ पे 16 हो गए, और मैं इसके बात करूं तो 5 25 हो गए, ठीक है, तो ये 25 इसी को चाहेंगे तो 16 अनुपात 25 लिख सकते हैं, तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब डेसिमल के रूप में देखिए पद चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, अगर आपका अच्छे तरीका से समझ लेंगे तो कोई इस दुनिया में न तो क्वेश्चन कोई हार्ड है न तो क्वेश्चन कोई टफ है, जो क्वेश्चन आपसे बन गया वो आसान हो गया, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना वो टफ हो गया, हार्ड और है लो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अब इस पे अगर हम बात करेंगे तो यही डायरेक्ट हो जाएंगे 0.3 हो जाएंगे, अगर इस पद पे बात करेंगे तो 0.15 हो जाएंगे, इस पद पे बात करेंगे तो 2.5 हो, यानी पूर्व पदों का गुणनफल हमने कर दिया है। अब रहा बात सेकेंड पद का, तो सेकेंड पद हो जाएंगे 0.05 हो जाएंगे, यदि मैं सेकेंड पद की बात करूँ तो 0.9 हो जाएंगे, यदि मैं सेकेंड पद की बात करूँ तो 0.05 हो जाएंगे। और सबसे पहली बात है कि आप थोड़ा सा एडजस्ट करने का प्रयास करें, तो डेसिमल को अगर हम सर्च करेंगे तो दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 2 3 है, 3 1 4 है, तो ऊपर में 4 अंक है, मतलब हम चाहेंगे तो 1 आगे 3 0 भी दे सकते हैं, 4 0 दे सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल 4 0 दे सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो 2 अंक 2 1 3 और 3 2 5, तो मतलब हम आशा करते हैं क्या यहाँ पे अगर कंप्लीट अगर हम डेसिमल को सेपरेट करें तो 1 के आगे कंप्लीट आपका 4 0 होंगे, क्यों, क्योंकि डेसिमल का मतलब 1 समझते हैं, यहाँ पे 1 0 तो यहाँ पे 2 3 0 और 3 1 4, बिल्कुल। अगर मैं ये हो गया अंश के डेसिमल को सिंपलेस्ट कर, अगर हर के डेसिमल को सिंपलेस्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 अंक होंगे, यहाँ पे 3 हो गए, 3 2 5, तो हम कह सकते हैं देखिए ये जो चीज हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा चीज आपको डेसिमल में हम अच्छे तरीका से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस कॉन्सेप्ट पे आप समझे, तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो 4 0 से 4 0 में ले कैंसिल आउट हो गए, अब ये सारा डेसिमल फ्री हो गए, तो 5 से काटेंगे तो ये 2 हो गए, अब 2 से तो कटने वाला है नहीं, तो यहाँ से 3 से काटेंगे तो डायरेक्ट 3 हो गए, अगर इससे काटेंगे तो ये आपका 5 हो गए, अगर मैं डायरेक्ट ये 5 करूँ तो 5 हो गए, तो आशा करते हैं बट्टा में आपको तो कोई अंक बच नहीं रहा और सारा फंक्शन, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं 50/1 तो 50 अनुपात आपका 1 हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छे तरीका से देख लेंगे और हमको नहीं लग रहा कहीं प्रकार का फॉल्ट नहीं है, बिल्कुल राइट है, यस सही है। तो हम लोग अब आगे बात करते हैं इस पे किस प्रकार से कंटेंट आते हैं, है ना, ये जो टाइप अभी जो भी चीज हमने सिखाने का प्रयास किया है हमने पूरी ईमानदारी के साथ आपके सामने सिखाने का तो प्रयास कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ हम हमेशा कहते हैं बच्चे को एक बात आप अच्छे तरीका से समझ लें, है ना, अगर आप बचपन में जिस प्रकार से कोई काम करना शुरू कर दिए लेकिन अगर वो काम बराबर करते गए तो उसी में आप महारत हासिल कर लिए, आपके लिए ये पढ़ना भी YouTube पे टप लग रहे होंगे, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा और आपको समझ में आएगा, नहीं सर कितना चिल्ला चिल्ला के कहते थे बाबू पढ़ लो लिख लो, जो क्वेश्चन पढ़ा रहे उसको लिखते जाओ, दिक्कत होगा तो है ना कॉमेंट करके बोलना, और ये बात जब आपका उम्र 30 साल हो जाएगी तब आपको एहसास होगा एक सर यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे थे और वो हमेशा कहते थे। तो फिलहाल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या चीज है जब हमको अच्छे तरीका से डील करेंगे वो आप समझेंगे, जब हम बोर्ड पे चीजों को व्याख्या करेंगे तब आप जानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों जिस टाइप के बारे में हमने आप सबको बताने का प्रयास किया था यही टाइप आपके सामने में है, और ये दोनों टाइप आपको एक ही साथ
एक ही शब्द पे निर्भर करती है, एक वर्ग के रूप में होती है, एक वर्गमूल के रूप में होती है। तो दोनों को हम लोग बारीकी से समझते हैं। वर्गानुपात मतलब शब्द से ही है, वर्गा मतलब वर्ग करने पे अनुपात जो प्राप्त होगी वही आपका अनुपात वर्गानुपात होती है। जैसे भाषा के रूप में यदि एम एन पी कोई अनुपात हो तो एम स्क्वायर अनुपात एन स्क्वायर अनुपात पी स्क्वायर को वर्गानुपात कहते हैं। आप क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग समझते हैं, तो कह रहा जो भी आपका क्वेश्चन दिख रहा हो, जो भी क्वेश्चन या जहां भी दे उस सब को स्क्वायर आप कर दे अच्छे तरीका से। तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएंगे 4, ये हो जाएंगे 9, ये हो जाएंगे 36। अब ये सिंपलेस्ट होने वाला तो है नहीं, तो आपका इसी रूप में आपके आंसर हो जाएंगे। बहुत मजा लग रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा। अगर दूसरा क्वेश्चन पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ भी वही बात, 1.5 के स्क्वायर कर देंगे, अनुपात 0.3 के स्क्वायर कर देंगे, अनुपात 0.4 के स्क्वायर कर देंगे, तो हम कह सकते हैं 15 के स्क्वायर 225 होती, लेकिन दो अंक के बाद ये हो जाएंगे अनुपात। अगर हम चाहेंगे तो ये कंप्लीट न हो जाएंगे, लेकिन दो अंक के बाद हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो ये कंप्लीट हो जाएंगे 16, लेकिन ये दो अंक के बाद हो जाएंगे। आप चीजों को फिर से समझिए, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद दो अंक है, यहाँ पे भी दो अंक है, यहाँ पे भी दो अंक, तो सारा डेसिमल अपने आप में रिमूव हो जाएंगे। तो कंप्लीट ये 225 अनुपात 9 हो जाएंगे और अनुपात आपका 16 हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाए तो उसको आप इसी तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस पे बात करते हैं, तो वर्गा वर्गमूलानुपात इसी का, देखिए वर्ग कर रहे थे अब इसी को वर्गमूल निकालनी है, इसी को वर्गमूलानुपात बोले इंग्लिश में, सब डुप्लीकेट रेशियो। यदि एम एन पी कोई अनुपात हो तो अब रूट के अंदर में एम अनुपात, रूट के अंदर में एन अनुपात, रूट के अंदर में पी, और हमने बताया था यहाँ पे आप जानते भी होंगे शॉर्ट सेंटेंसेस, हमने बताया था यदि आप वीडियो नहीं देखे होंगे शॉर्ट सेंटेंसेस का तो अच्छे तरीका से समझ ले। यदि घात है तो है, नहीं है तो दो है तो है, नहीं है तो दो है, घात है तो है, नहीं है तो इसी चीज को हम इस रूप में और करके हमने लिखा है ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो। अब हम इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे रूट में डायरेक्ट ही लिख देंगे 49, डायरेक्ट ही लिख देंगे 81, डायरेक्ट ही लिख देंगे आपका 100। जब इसको वर्गमूल निकालेंगे तो ये 7 हो जाएंगे, ये 9 हो जाएंगे और ये 10, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी हो जाएंगे। तो इसी तरह से सॉल्व करें, सब में कुछ नहीं है, बस एक पॉइंट है जो शुरुआत है। अगर ये चीज को नहीं बताएंगे तो बच्चे कहेंगे सर छोड़ के पढ़ाते हैं, इसलिए सारा चीज को बताना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर हम इसको रूट करेंगे तो कंप्लीट 144 हो जाएंगे अनुपात के अंदर, फिर अनुपात रूट अंडर में 256 हो जाएंगे, है ना, जो डेसिमल में है तो 0.2, सॉरी ये है 2.56, फिर रूट के अंदर में हो जाएंगे 4.41। आज जब इसको वर्गमूल निकालेंगे तो कंप्लीट ये 12 हो जाएंगे, लेकिन 1.2 हो जाएंगे, ये जैसे 256 होता 16, लेकिन 1.6 हो जाता, ये 447 21 होता लेकिन डेसिमल में है तो ये 0.1 हो जाएंगे, सॉरी 2.1 हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसको इसको फ्री कर देंगे तो कंप्लीट ये हो जाएंगे 12, ये हो जाएंगे 16 और ये हो जाएंगे अनुपात में 21। तो आशा करते हैं इसको भी आप अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। अब हम लोग इसी में जो है एक पॉइंट और बचता है उसको समझते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाए तो आशा करते हैं आप समझ भी गए होंगे। यदि जब भी दिक्कत हो प्लीज निर्भीक होके आप कमेंट करें ताकि कुछ भी दिक्कत हो हम आपको सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर लगता है कि नहीं आपको और दिक्कत है तो हम आपके लिए और अच्छे तरीका से वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपसे हम एक ही आशा करते हैं कि जहां पे दिक्कत हो आप उसी वीडियो में कमेंट करने का प्रयास करें, और जितना भी चीज हम आपके लिए इतना कष्ट से काम कर रहे हैं और आपको कष्ट नहीं होनी चाहिए, हम ये वादा करते हैं और ये विश्वास भी रखते हैं। तो एक लास्ट इस सेशन का लास्ट कॉन्सेप्ट के बारे में आप सबको हम बताने का प्रयास करते हैं और उसको बारीकी से समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो टाइप हम सिखाने का प्रयास कर पा रहे हैं इस सेशन का लास्ट टाइप होगी, और आप समझ रहे होंगे और आशा करते हैं ये शुरू से अब तक देखे होंगे। तो फिलहाल
हम इस क्वेश्चन पे ये कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं घनानुपात। जब भी घनानुपात हो इंग्लिश में ट्रिपलेट रेशियो कहते हैं, कहता यदि एम एन पी कोई अनुपात हो तो एम क्यू अनुपात एन क्यू अनुपात पी क्यू को है ना घनानुपात कहते हैं। अब कह रहे क्वेश्चन किस प्रकार से, तो यही कह रहा है कि 2:3:4 के अनुपात में कोई अंक हो, अगर आपसे पूछे घनानुपात क्या होगी तो बस इसको पावर में क्यूब कर देनी है। तो 2 के पावर 3, 3 के पावर 3 और 4 के पावर 3, जब इसको सिंपलेस्ट करेंगे तो कंप्लीट ये 8 हो जाएंगे अनुपात, 27 हो जाएंगे अनुपात, 64 हो जाएंगे। और यही इस कॉन्सेप्ट का फाइनल रिजल्ट भी है और इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी है। तो हम आशा करते हैं इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाए तो इसी प्रकार से सॉल्व करने का प्रयास करें। अब इसी का जुड़वा भाई, जिसको सगा भाई के रूप में भी बोल सकते हैं, इसी का था घन घन मूलानुपात सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब कह रहा है कि इसका भाषा क्या कहती है, यदि एम एन पी कोई अनुपात हो तो क्यूब रूट के अंदर में एम अनुपात क्यूब रूट एन अनुपात क्यूब रूट पी, जब इस प्रकार क्यूब रूट के रूप में हो तो वहां पे हम लोग घनमूलानुपात करते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से होगी, तो जो भी अंक आपको दिख रहा होगा वहां पे आप क्यूब रूट लगाने का प्रयास करें। तो आप तो समझते हैं यहाँ पे 1000 क्यूब रूट, फिर यहाँ पे क्यूब रूट 125 हो जाएंगे, क्यूब रूट 1331 हो जाएंगे, जब इसको क्यूब रूट निकालेंगे तो ये 10 हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे और ये 13 हो जाएंगे। और आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी इसी तरह से वीडियो अपलोड करूं आपका नोटिफिकेशन पहले मिल सके। तो टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, पढ़ाई करते रहिए, जहां पे दिक्कत हो तो कमेंट करते रहिए और आपका हम रिप्लाई देते रहेंगे। तो चलिए, थैंक यू, ओके।